हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर गौरव, सब कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में तो हमने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया था कि ये होता क्या है, इसका क्या यूज रहता है, इसे बनता किससे है, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स रहते हैं, क्या मटेरियल यूज होते हैं, क्या इसकी स्ट्रेंथ की कैपेसिटी रहती है। बट उस वीडियो में काफी लोगों के ये डाउट्स आए थे कि सर ये काफी सारे कलर्स में आते हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो बनाइए कि इसके कलर्स के मीनिंग क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही रहने वाला है कि इसके रोड स्टड्स के कलर क्या क्या रहते हैं, जिसे हम कैट आइज भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उस कलर्स का मीनिंग क्या होता है, उसे हम कहां पे प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रोड स्टड्स होता क्या है। अगर मैं रोड स्टड्स का इंट्रोडक्शन दूं आपको, तो रोड स्टड्स हमारा कुछ इस तरीके का पेवमेंट के ऊपर लगता है, ये हमारे पेवमेंट के ऊपर रेस्ड रहता है। रेस्ड रहने की वजह से ये एक एज अ मार्कर काम करता है, मार्कर की वजह से हमें कुछ कुछ इंडिकेशंस प्रोवाइड करता है। कैसे इंडिकेशंस प्रोवाइड करता है, तो रोड स्टड्स हमारा रोड के पेवमेंट के ऊपर लगा रहता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि पेवमेंट के ऊपर एज अ रेस्ड मार्कर की तरह लगा रहता है, मार्कर की तरह हम इसलिए ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि ये कुछ कुछ इंडिकेशंस हमें प्रोवाइड करे, जैसे कि हमारा लेन कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ पे हमारा लेन खत्म हो रहा है। और कलर के बेसिस पे हम ये भी जज करते हैं कि कहाँ तक हमें गाड़ी चलानी है, कहाँ पे हमें ओवरटेकिंग नहीं करनी और कहाँ पे हमें ओवरटेकिंग करनी है। तो क्या क्या रहते हैं कलर के इंडिकेशंस, आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारा व्हाइट मार्कर। तो हमारा जो व्हाइट रोड स्टड्स रहते हैं, ये हमारा लेन मार्किंग के लिए हम यूज करते हैं। लेन मार्किंग में हम इस तरीके से यूज करते हैं ताकि जो चलाने वाला हमारा ड्राइवर है उसे पता रहे कि उसकी लेन कहां से कहां तक है और उसको अपने लेन में रहने में हेल्प करता है। तो ये रहता है मेन पर्पस हमारे व्हाइट लेन मार्कर का। साथ ही साथ सेंटर पर भी हम लगाते हैं। सेंटर पर यह हमें इंडिकेट करता है कि हमारे कितने लेन के मार्कर्स है, और सेंटर पर लगाने से हम काउंट कर सकते हैं कि कितने लेन का हमारा रोड चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इसकी बाउंड्री हमें क्रिएट करने के लिए, हमें बाउंड्री आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाइट कलर्ड मार्कर्स यूज होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जान लेते कौन सा आता है। इसके बाद हमारे रेड रोड स्टड्स आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है जो हमारा रेड कलर रहता है, रेड कलर को हम डेंजर का कलर भी कहा जाता है। मतलब कि जहां पे भी रेड कलर स्टड्स लगा, दैट इंडिकेट्स कि वहां से आपको गाड़ी नहीं मोड़नी है, नहीं मोड़नी है, नहीं ओवरटेक करनी है। अगर हम रोड के एकदम लेफ्ट एज पे भी अगर लगा रहे, मतलब कि वहां से रोड एंड है, वहां पे हमें अपनी गाड़ी को टर्न नहीं करना है। तो ये रहता है हमारा रेड कलर के रोड स्टड मार्किंग का आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, बट हमें उसकी मदद से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आइए आप जान लेते हैं नेक्स्ट कौन से कलर का हमारा मार्किंग रहता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है येल्लो कलर का, या जिसे हम एम्बर कलर का मार्किंग भी कहते हैं। तो एम्बर कलर या येल्लो कलर का रोड मार्कर का मतलब रहता है वो एक पेडेस्ट्रियन जोन में आप आने वाले या एक पेडेस्ट्रियन जोन पर एंटर कर लिए, ये तो एकदम कॉमन इंडिकेशन है। बट इसका एक मेन इंडिकेशन ये भी होता है कि अगर अपकमिंग किसी भी तरह का रोड लेआउट में चेंज आ रहा है, हो सकता है कि आगे चल के किसी तरह का कर्व या बैंड आने वाला है, वहां पे भी हम येलो कलर का रोड स्टड प्रोवाइड करते हैं। इससे हमें पहले इंडिकेट हो जाता है कि हमारा रोड लेआउट चेंज होने वाला है या किसी तरीके का पेडेस्ट्रियन या स्कूल जोन क्रॉसिंग आने वाला है। तो ये रहता है हमारा येलो कलर के मार्किंग का मतलब। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रीन कलर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको रेड कलर के बारे में बताया था, रेड कलर हमारा डेंजर के नाम से जाना जाता है। या फिर अगर मैं ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल लूँ, तो जब भी हमारा ट्रैफिक लाइट पर रेड कलर लगता है तब हमें गाड़ी रोकनी पड़ती है, मतलब हमें गाड़ी स्टॉप करनी पड़ती, बट ग्रीन कलर में हम गाड़ी बढ़ाते हैं। तो ग्रीन कलर के मार्कर के कुछ कुछ मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि आप किसी तरह के नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे हो और आपको ग्रीन कलर के स्टड्स दिखने लगे, इसका मतलब इंडिकेट होता है कि वहां पे किसी तरीके का रेस्ट एरिया आने वाला है। रेस्ट एरिया में आप गाड़ी आप साइड में पार्क लगाकर रेस्ट कर सकते हो, तो वो हमारा रेस्ट एरिया हो गया। साथ ही साथ में ये उस जोन में भी लगाया जाता है जहां पे पार्किंग अवेलेबल हो, या इंडिकेट करने के लिए कि इस एरिया में आप गाड़ी पार्क कर सकते, वहां पे भी हम ग्रीन कलर का स्टड्स लगाते। साथ ही साथ ग्रीन कलर का हमारा जो यूज रहता है, कॉमनली यूज होता है ट्रक पार्किंग एरियाज में। मोस्टली इसे हम अर्बन एरियाज में नहीं यूज करते, ये जनरली एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवेज में ही देखने को मिलता है हमें, और ये उतना कॉमनली भी यूज नहीं होता। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस वीडियो का,
जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारे रोड स्टड्स रहते काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे रोड और हाईवे इंजीनियरिंग का। यूं तो जनरली हम रोड पर जब भी ट्रेवल करते तो हम रोड स्टड्स को इग्नोर कर देते क्योंकि हमें उतना ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं होती, बट इन दोनों वीडियोस के बाद आपको उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता है। साथ ही साथ अब आपको पता है कि इस रोड स्टड्स की वजह से, उनकी टेक्टाइल फीडबैक की वजह से, उनकी रोड पर प्रेजेंट होने की वजह से हमें कितनी ज्यादा हेल्प होती है, हमें अपने लेन में रहने में हेल्प होती है। साथ ही साथ हम रात के टाइम में जब हमें विजिबिलिटी काफी कम रहती है तो लेन से कहीं हम डिलेन होकर गाड़ी की एक्सीडेंट ना हो जाए, उससे भी हमें ये बचाव प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा रोड स्टड होता तो काफी छोटा है बट हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी अच्छा सेफ्टी फीचर का काम करता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं आपको बस कहना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलिए हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। अंटिल देन थैंक यू सो मच।